हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्म ड्राइव में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और जानदार शानदार ट्रैक्टर वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है स्वराज का 855 FE। तो दोस्तों, मैं आज इस ट्रैक्टर में वो ट्रैक्टर का टोटल रिव्यू करूँगा, टोटल सारे फीचर्स बताऊँगा, ट्रैक्टर में क्या खास बात है, क्या कुछ इसके अंदर है, क्या कंपनी द्वारा इसके अंदर नए फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, शुरुआत करते इसके फ्रंट से सामने आपको स्वराज का लोगो मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्रोम का लोगो मिलेगा, दो हैलोजन लाइट मिलेंगी, नीचे ग्रिल मिलेगी। और एक्सल की बात करें तो फ्रंट एक्सल इसका आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिलेगा, देख सकते हो। और पावर स्टेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा। और फ्रंट टायर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको MRF का शक्ति लाइफ का टायर मिलेगा, जो कि है 750/16 का फ्रंट टायर मिलेगा। और इसके अगर मैं आपको दोस्तों इंजन फिगर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, और जिसका जो एयर क्लीनर है वो आपको ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिलेगा, जो कि है 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिलेगा। इस ट्रैक्टर में सबसे खास बात बताऊँ, इस ट्रैक्टर जो HP कैटेगरी में आता है दोस्तों, ये 50 से 55 HP कैटेगरी में आता है। और इस ट्रैक्टर की मैं आपको नेम प्लेट दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या क्या लिखा मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा ये 855 RMI, इंजन नंबर फलाना फलाना, और SF लिख रखा है, इसका 86 नंबर है। और मैक्स PT पावर है इसकी 33.8, SFC है किलोग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से 265, और मंथ और मैन्युफैक्चर आपको ये यहाँ पे मिलेगा कभी मैन्युफैक्चर हुआ था। यहाँ से इसका बोनेट खुलेगा ये। और इसके इंजन सीसी की मैं बात करूँ तो इसको ये आपको 3308 CC का बड़ा इंजन प्रदान करता है, जो कि अपने 2000 RPM पे पूरी पावर जनरेट करेगा। और इसका जो कूलिंग सिस्टम दिया गया है वो आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम मिलेगा, वाटर कूल्ड। बात करें इसके इंजन रेडिएटर की, आपको यहाँ रेडिएटर के लिए मिलेगा, और कूलेंट डालने के लिए, कूलेंट चेक करने के लिए, एक्स्ट्रा कूलेंट डालने के लिए कूलेंट बॉक्स मिलेगा। ये आपको इंजन, ये इसके आपके इंजन वुड मिलेंगे आपको यहाँ पे इसके। और आप देख सकते हो स्वराज का खुद का इंजन मिलेगा इसके अंदर, स्वराज की बैजिंग नीचे आपको यहाँ पे दिख रही होगी शायद, हाँ स्वराज की बैजिंग आप GCL, और जो उसके ऊपर बहुत कुछ लिख रखा है, स्वराज का खुद का इंजन है इसके अंदर। और ये इसका पावर स्टेयरिंग पम्प और पावर स्टेयरिंग ऑयल अलग से मिलेगा। और दिखा इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक ऑयल का पंप शायद एक ही है, देख चेक करना था। इसके अंदर दोस्तों आपको पावर स्टीयरिंग पंप और हाइड्रोलिक पंप आपको अलग अलग मिलेंगे, ये दोस्तों हाइड्रोलिक पंप और ये इसका पावर स्टीयरिंग पंप है, जिससे अगर कई जैसे फार्म ट्रक वगैरह में एक ही मिलता है हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप, अगर एक पंप खराब हो जाता है, पंप खराब हो जाता है, उसका हाइड्रोलिक बंद हो जाती है तो पावर स्टीयरिंग बंद हो जाती है। इससे किसान की वो टेंशन भी कम होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी, मेंटेनेंस भी कम पड़ेगी। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बताऊँ रिवर्स स्पीड मिलेगी, और ये ट्रैक्टर अपने 15 स्पीड गियर के साथ है, 15 स्पीड्स LMH के साथ आपको ट्रैक्टर मिलेगा ये। इसके साथ आपको कंपनी के द्वारा कोई बम्पर नहीं मिलेगा, आपको अलग से इसका बम्पर लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैं बात करूँ बोस के पंप कौन सा यूज़ किया गया है, इसके अंदर आपको बोस का इनलाइन पंप मिलेगा। और क्लच टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर आपको डबल क्लच मिलेगा, देख सकता हूँ आपको मैं ये डबल क्लच, ये सिंगल अपने क्लच वाला, और ये इसके अंदर आपको गियर मिलेंगे ऐसे कुछ। और ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कोई डंडा नहीं मिलेगा पकड़ने के लिए, किसान पकड़ के चढ़ जाए। और डी डबल क्लच की पहचान आपको यहाँ पर मिलेगी, ये डबल क्लच है, एक तो इससे काम कर रही है और एक ही इससे काम करेगी, जिसका एंड ब्रेक आपको यहाँ पे एंड ब्रेक मिलेगा। ये उसकी पैर वाले रेस मिलेगी, एडजस्टेबल सीट मिलेगी ऊपर नीचे आगे पीछे, इसके आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी दोस्तों। और ऐसा कुछ इसका आपको मीटर मिलेगा, धूप में दिख नहीं रहा आपको, धूप में खड़ा है। पिछले वाले में टायर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पिछले वाला टायर 1628 का मिलेगा, MRF का शक्ति लाइफ का इसके पिछले वाला टायर मिलेगा आपको। इसके मैं पीछे के हिस्से की बात करूँ तो आपको एडजस्टेबल हिच मिलेगा, बीच में आपको डंडा मिलेगा ताकि ट्रैक्टर में कम से कम वाइब्रेशन हो। रिफ्लेक्टर मिलेंगी जो कि रात में बहुत इफेक्टिव होते हैं, अगर कई किसान कहीं बाहर जा सड़क पर जा रहे हैं धूप वगैरह में, तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे लाइटों को, रिफ्लेक्ट कर देंगे, इससे आपकी वो बच जाती है, कई ब्रेक मतलब क्या कहते हैं दुर्घटना होने से बच जाती है। और इसका टूल बॉक्स मिलेगा, प्लास्टिक का टूल बॉक्स इसके ऊपर मिलेगा। और जो सबसे अच्छा जो स्वराज का मुझे हिडन फीचर कह सकते हो आप, स्वराज का जो छुपा हुआ फीचर है एक सबसे बेस्ट है, इसमें आपको ट्रॉली वगैरह जोड़ने के टाइम, आर रो वगैरह कल्टीवेटर वगैरह जोड़ने के टाइम पे तो दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, इसको इससे कंट्रोल कर सकते हो। ये आप इसका लॉक कर रखा हूँ, आप लॉक लगा रखा है इसके अंदर, खत्म है आपको। और ड्राफ्ट लीवर नीचे पड़ा हुआ था इसलिए ऊपर नहीं हो रहा था ये, मैं दिखाता हूँ आपको।
दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको इसके डेस्क फंक्शन। इसको नीचे करेंगे, लिफ्ट नीचे हो रही है, इसको ऊपर रोक देंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं ना, स्टार्ट करके इसको ऊपर करके दिखा देता। अब दोबारा देखो मैं इसको यहाँ से नीचे करूँगा तो ये इसकी लिंकें मूव होंगी, दिख रही है आपको, ये नीचे मूव होंगी। अब ये रुक गई इससे, तो इसका सबसे हिडन फीचर है। किसान भाई अपने अपने आप से इसके ट्रॉली वगैरह दौड़ सकते हैं इसके बिना किसी दूसरे बाइक मदद से। ये पीछे अगर थ्रेसर वगैरह में कोई लाइट वगैरह दौड़नी हो तो आप इसकी मदद से ट्रैक्टर में कोई थ्रेसर वगैरह लाइट दौड़ सकते हो। और इसके अंदर आपको डबल क्यू आर सी मिलेंगे जो कि कंप्यूटर गोड वगैरह में आपको बहुत हेल्पफुल वगैरह मदद करेंगे। जो किसान भाइयों को जो कंप्यूटर का काम करते हैं, कंप्यूटर गोड का किराया करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ट्रॉली हाथ उठाने के लिए ट्रॉली का अलग स्लीवर दिया गया है, इसको बिल्कुल सीट के नीचे यहाँ पे इस स्लीवर से ट्रॉली उठेगी। ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट चार्ज, यहाँ पे चार्जर लग जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा किसान का आराम से, या आपका बोतल होल्डर आ जाएगा। और ऊपर सीट के अंदर आपको ये डंडे मिलेंगे पकड़ने के लिए, और काफ़ी सारा स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके ट्रांसमिशन टाइप की, तो इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट एंड स्लाइडिंग में इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो फ्रंट में आपको मिलेगी वो 31 किलोमीटर पर आवर की लगभग मिलेगी। रिवर्स में मैक्स स्पीड इसकी 4.6 किलोमीटर मिलेगी आपको, और इसकी 6 पीटी मिलेगी आपको, और इसकी जो पीटी पावर है वो 42 करीब मिलेगी इसकी। तो फिर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको बता दूँ इस ट्रैक्टर की, 60 लीटर करीब इसकी आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो हैवी लिफ्ट कैपेसिटी का ट्रैक्टर मिलेगा आपको, 2440 kg की लिफ्ट कुंटल के 2440 kg के साथ इसकी आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। ट्रैक्टर का व्हील बेस की बात करूँ तो 2155 mm ओवरऑल एंड ट्रैक्टर की आपको मिलेगी 3550 mm, और टोटल ट्रैक्टर की जो टोटल वेट मिलेगी 1805 mm मिलेगी। सर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था वो ट्रैक्टर का टोटल वेट था, लिफ्ट कैपेसिटी नहीं थी। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी मिलेगी आपको 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। ट्रैक्टर का टोटल वेट है वो आपको मिलेगा 2440 kg, ट्रैक्टर का टोटल वेट मिलेगा। वारंटी ट्रैक्टर की 2 साल की, 2000 घंटे ट्रैक्टर की वारंटी मिलेगी। इसे कंप्यूटर की मैं बात करूँ, अर्जुन का 605, महिंद्रा का 605, फार्म ट्रैक 60-55 और फार्म ट्रैक 60, महिंद्रा 585, ऐसे कुछ ट्रैक्टर से कंपटीशन मिलेंगे आपको जो जानी मानी कंपनियां हैं। और अगर इसकी आपको कीमत जाननी हो तो आपके नज़दीकी शोरूम में जाएं, वहां पे आपकी कीमत ट्रैक्टर की पता करें। ऊपर से कुछ ऐसा मिलेगा, यहां से बिल्कुल रीच में गियर मिलेंगे आपको सारे इसके अंदर, और ऐसा कुछ इसका पीटीओ क्लच मिलेगा। ऐसा इसका कुछ पीटीओ काम करेगा इसका यहाँ पे। और ऐसा कुछ इसका मिलेगा आपको, ये थोड़ी रेस मिलेगी, पैर रखने के लिए आपको अलग से स्पेस मिलेगा, ये हजार्ड लाइट ऑन करने के लिए, ये दोनों इसके हजार्ड लाइट ऑन होगी, ये लाइट ऑन करने, ये हजार्ड लाइट ऑन करने के लिए। ये इंडिकेटर, इंडिकेटर के लिए, ये लाइट ऑन करने के लिए ट्रैक्टर की, और वो पीछे का लो जो लाइट मिलेगा आपको जरा तो काम करने के लिए। दोस्त आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल में कोई कमी लगे तो हमें बताएं कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।